यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड मेडिकल एंड नर्सिंग साइंस। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि CTVS यानी कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी के जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि आज का अपना टॉपिक रहेगा जो CTVS की सर्जरी के लिए कौन कौन से जनरल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, दिस इज अ स्पंज होल्डर, ठीक है। स्पंज होल्डर को पेंटिंग फोर्सेप्स बोलते हैं, ठीक है। पेंटिंग फोर्सेप्स का उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, कि जिस एरिया में जिस पार्ट के पर सर्जरी करनी हो या जहाँ इंसिजन लगाना होता है, उस पार्ट को क्या करते हैं दोस्तों, पेंटिंग फोर्सेप्स के द्वारा गोस को इसके अंदर क्लेम करके उसको क्या करते हैं, पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज वन पेंटिंग फोर्सेप्स, ये स्पंज होल्डर देख रहे हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट वन में बात करूंगा कि जो CTVS का जो जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट है उसके अंदर की टॉल क्लिप रखते हैं अपन, यानी कि कम से कम 10 से 12 टॉल क्लिप रखते हैं। दिस इज वन टॉल क्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज वन टॉल क्लिप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जो बीपी हैंडल होता है, यानी कि जो ब्लेड लगाने के लिए, सर्जिकल ब्लेड के लिए जो अटैचमेंट के लिए जो हैंडल होता है, तीन प्रकार के रखते हैं। एक तो 3 नंबर का रखते हैं, एक 4 नंबर का बीपी हैंडल लगते हैं और एक 7 नंबर का बीपी हैंडल लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, दिस इज वन 3 नंबर बीपी हैंडल दोस्तों, ये 3 नंबर का बीपी हैंडल है। नेक्स्ट दिस इज वन 4 नंबर बीपी हैंडल, ठीक। दिस इज वन 7 नंबर बीपी हैंडल, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, दिस इज वन 7 नंबर बीपी हैंडल, दिस इज वन 4 नंबर बीपी हैंडल। 4 नंबर बीपी हैंडल के अंदर जनरली दोस्तों की जैसे 22, 23 या 24 की जो सर्जिकल ब्लड होती है वो अटैच करते हैं, और जो 3 नंबर का जो बीपी हैंडल है, 3 नंबर या 7 नंबर के जो बीपी हैंडल के अंदर जनरली क्या करते हैं, 15 नंबर 11 नंबर की जो सर्जिकल ब्लड होती है या 12 नंबर की है वो क्या करते हैं, इसके अंदर अटैच करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्किटो आर्टरी, दिस इज वन मॉस्किटो आर्टरी दोस्तों। जो देखिए जनरली दोस्तों आर्टरी एंड मॉस्किटो के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, कि दोस्तों जो मॉस्किटो क्या होती है स्मॉल साइज की होती है, और आर्टरी क्या होती है लॉन्ग साइज के अंदर थोड़ी बड़ी होती है। तो दिस इज वन क्या, ये क्या मॉस्किटो है, दिस इज वन कर्व मॉस्किटो, इसको मॉस्किटो बोल सकते हैं या फिर कर्व आर्टरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मॉस्किटो जो स्मॉल साइज की रहेगी उसको अपन मॉस्किटो बोलेंगे। नेक्स्ट वन में इमेज आपको दोस्तों दिख रहा हूँ, दिस इज वन कर्व आर्टरी देख रहे हैं आप, दिस इज वन कर्व आर्टरी, क्योंकि जो आर्टरी की साइज क्या है दोस्तों, आर्टरी की साइज क्या होती है मॉस्किटो से लंबी होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है कि जैसे कि कर्व शेप के अंदर इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और आप उसके अंदर कन्फ्यूज हो कि यह मॉस्किटो है या फिर आर्टरी है, तो याद रहे जो यदि स्मॉल साइज के अंदर, देखिए यदि साइज छोटी होगी तो उसको मॉस्किटो बोलेंगे, दिस इज वन मॉस्किटो, और साइज बड़ी होगी कर्व के अंदर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कर्व आर्टरी बोलेंगे। आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं, दिस इज वन कर्व आर्टरी और दिस इज वन मॉस्किटो। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं, एक स्ट्रेट आर्टरी भी होती है, दिस इज वन स्ट्रेट आर्टरी, इसको स्ट्रेट आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं जिसके आगे वाला टिप है बिल्कुल सीधा है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या रखते हैं सेट के अंदर, हम राइट एंगल आर्टरी रखते हैं, दिस इज वन राइट एंगल देख सकते हैं आप दोस्तों, इसको राइट एंगल इसलिए बोल रहे हैं जो इसका जो टिप है राइट एंगल, यानी कि जो 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो जिसका जो आगे वाला टिप क्या बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल की तरह आप बिल्कुल देख रहे होंगे, दिस इज वन राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप्स, कि जो आगे का टिप है बिल्कुल क्या 90 डिग्री के एंगल पे टर्न ले रखा है, ठीक। नेक्स्ट वन बात करते हैं दोस्तों कि हम एक क्या रखते हैं, एलिज रखते हैं, ये सबका क्लेम करने के लिए काम आते हैं यानी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, दिस इज वन एलिज देख सकते हैं दोस्तों। जो एलिज के टिप क्या होते हैं, बिल्कुल एलिज के जो टिप है, टिप के ऊपर क्या बिल्कुल टूथ, यानी टूथ की टूथ लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, ये क्या करते हैं कि टिश्यू को होल्ड करने के लिए या फिर मसल्स को क्लेम करने के लिए काम में ले सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए दिस इज वन एलिज आप देख रहे हो, उसकी जो एलिज देखिए, दिस इज वन एलिज जो यहाँ पे देखिए बिल्कुल टूथ लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं बेबकॉक,
दिस इज वन वेब कोप। दोस्तों वेब कोप को पहचानने का तरीका ये रहेगा जो उसके जो वेब कोप का कि वेब कोप की जो लेंथ है स्पंज होल्डर यानी कि जो पेंटिंग फोरसेप्स है सेम उसी की तरह होती है, लेकिन जो इसके जो आगे का टिप होता है बिल्कुल राउंड शेप में होता है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज वन वेब कोप। देखिए दिस इज वन वेब कोप जो इसके जो आगे का टिप है बिल्कुल राउंड शेप के अंदर है, आप देख रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर पर रखते हैं, ये इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज वन सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। देखिए सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो हम वेरियस प्रकार के सीजर रखते हैं जनरल सेट के अंदर, दिस इज वन माय सीजर लेकिन ब्लंट टिप, माय सीजर है लेकिन ब्लंट टिप। ध्यान रखना जो माय सीजर होती है दोस्तों क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जो सीधी होती है उसको माय सीजर बोलते हैं, और जो सीजर जो कर्व सीजर होती है उसको क्या बोलते हैं, मेट्जबाम सीजर बोलते हैं, दिस इज वन मेट्जबाम सीजर। जो कर्व सीजर है दोस्तों जो जिसका आगे का टिप बिल्कुल कर्व है, देखो कर्व बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, मेट्जबाम सीजर बोलेंगे, और जो सीजर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल सीधी रहेगी उसको क्या बोलते हैं, माय सीजर बोलते हैं, दिस इज वन माय सीजर एंड ब्लंट टिप, क्योंकि उसका टिप क्या ब्लंट है ना, इसलिए इसको ब्लंट टिप वाला माय सीजर बोल रहे हैं। और इसके अलावा क्या रखते हैं दोस्तों, एक शार्प टिप वाला माय सीजर भी रखते हैं, दिस इज वन माय सीजर लेकिन शार्प टिप। देखिए जिसको आगे का जो टिप है बिल्कुल शार्प है। ठीक, नेक्स्ट वन अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो हम क्या करते हैं दोस्तों, दो प्रकार के क्या रखते हैं, नीडल होल्डर रखते हैं, एक तो ब्रॉड नीडल होल्डर रखते हैं और एक स्मॉल या फिर फाइन नीडल होल्डर रखते हैं। दिस इज वन ब्रॉड नीडल होल्डर, आप देख रहे हैं दिस इज वन ब्रॉड नीडल होल्डर, क्योंकि जिसका आगे का टिप क्या है, देखो नीडल होल्डर। देखो दोस्तों नीडल होल्डर को पहचानने का तरीका ये है कि देखो इसका जब इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद बीच में डेप्थ यानी कि गड्ढा सा बना हुआ है, यानी कि जो नीडल मतलब कि इसके ऊपर क्या है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई जिसके अंदर नीडल को आसानी से अपन क्लेम कर सकते हैं और नीडल फिसलती भी नहीं है, देख सकते बिल्कुल, देखिए आप, दिस इज वन नीडल होल्डर लेकिन ब्रॉड टिप है। इसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों, हम एक फाइन टिप नीडल होल्डर भी रखते हैं, दिस इज वन नीडल होल्डर लेकिन फाइन टिप। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, एलबी रिट्रैक्टर रखते हैं, दिस इज वन एलबी रिट्रैक्टर। इसको एलबी रिट्रैक्टर के अलावा इसके फुल फॉर्म क्या बोलती है, एलबी की लैंगन बैक रिट्रैक्टर भी बोलते हैं इसको। देखिए इमेज। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वन जर्नी रिट्रैक्टर, दिस इज वन जर्नी रिट्रैक्टर। तो जर्नी रिट्रैक्टर के लिए बोलते हैं, इसके शेप जेड टाइप से बने, इसकी बिल्कुल जेड बना हुआ है, इसके लिए जर्नी रिट्रैक्टर बोलते हैं। जर्नी रिट्रैक्टर का एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह भी है दोस्तों कि जो जर्नी डिट्रैक्टर है उसका एक एंड तो एलबी डिट्रैक्टर की तरह रहेगा, दूसरा एंड है देखो दो भागों में डिवाइड है, बीच में गैप है, दिस इज वन जर्नी डिट्रैक्टर। हम दोस्तों क्या रखते हैं, मेटल सक्शन पर रखते हैं, दिस इज वन एक मेटल सक्शन रखते हैं, देख रहे हैं आप। इसके अलावा दोस्तों हम क्या रखते हैं, इसके अलावा कोकर्स रखते हैं, दिस इज वन कोकर। देखो दोस्तों कोकर का जो दोस्तों आगे वाला टिप क्या है, बिल्कुल शार्प होता है, यानी कि बोन क्लेम करने के लिए काम आता है, बिल्कुल शार्प, इसके अंदर बोन फंस जाती है। देखिए दिस इज वन कोकर। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो जनरल इंस्ट्रूमेंट सेट है सीटीवीएस का, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो थ्री टाइप की फोरसेप्स रखते हैं, टूथ फोरसेप्स रखते हैं, प्लेन फोरसेप्स रखते हैं, साथ ही वेस्कुलर फोरसेप्स रखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टूथ फोरसेप्स। देखिए दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं जो टूथ फोरसेप्स होती है उसके आगे के टिप पे टूथ बने हुए हैं, यानी कि टूथ लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई आगे के टिप पे, इसलिए इसको टूथ फोरसेप्स बोलते हैं। देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे टूथ बने हुए हैं, ठीक है। एक होती है प्लेन फोरसेप्स, देखिए क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, इसके आगे के टिप पे कोई टूथ नहीं बना हुआ है, दिस इज वन प्लेन फोरसेप्स। और दोस्तों हम और तीन या चार क्या रखते हैं, वेस्कुलर फोरसेप्स या फिर उसको पिकअप फोरसेप्स से बोल सकते हैं।
दिस इज वन वेस्कुलर फोर्सेप्स। दोस्तों जो वेस्कुलर फोर्सेप्स होती है उनके जो जो अंदर के जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल प्लेन और स्मूथली होती है, यानी कि वेसल्स, यानी कि जो जो ब्लड वेसल्स होती है उसको क्लेम करने का काम, क्लेम करने के लिए उसको काम में लेते हैं या उसको पिकअप करने के काम में लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि ब्लड वेसल्स को टूथ फोर्सेप्स के द्वारा क्लेम करोगे तो उसको टूथ फोर्सेप्स जैसे आप टूथ फोर्सेप को वैसे जैसे क्लेम किया तो ब्लड वेसल्स रक्चर हो सकती है तो उससे ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, वेस्कुलर जो सिटी वेस्क सर्जरी होती है उसके अंदर वेस्कुलर फोर्सेप्स या पिकअप फोर्सेप्स भी रखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और दोस्तों वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू सो मच।